very pleasant good morning to all the students. I am ma'am, your science teacher. Dear students, we will start our syllabus from starting chapter first, for class third. So student, let's start our science classes for class third. Our first chapter is living and non-living things. So students, living things क्या होती है? सजीव वस्तु है. जितनी भी सजीव वस्तु है वो सारी क्या है? लिविंग. और जो निर्जीव है, जिनमें जीवन नहीं होता, वो क्या है? निर्जीव वस्तु है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लिविंग थिंग्स. व्हाट इज लिविंग थिंग्स? What is living things? Things like plants, animals, humans are called living things. Students, things like plants, animals and humans, जिन जो चीजें जैसे सभी plants, सारे पौधे, animals सभी तरह के जानवर, humans मनुष्य are called living things. उन सभी को क्या कहते हैं students? हम living things कहते हैं, सजीव वस्तुएं. Okay students, for example के लिए हम लेके चलते हैं प्लांट्स. प्लांट में कौन? ट्री. ठीक है, ट्रीज जो होते हैं वो लिविंग है. एनिमल्स में मंकी है या फिर डॉग है, वो सभी क्या है? लिविंग्स हैं. ह्यूमंस, मैन, जो मैन है, वोमेन है, वो सभी क्या है? लिविंग थिंग्स हैं स्टूडेंट्स. तो ये सभी क्या है? लिविंग थिंग्स. What is living things? Things like plants, animals, humans are called living things. For example, trees, monkeys, man and woman. Okay. Next, non-living things. So students, non-living things क्या होती है? What is non-living things? निर्जीव वस्तुएं. Things like which do not have life in them are called non-living things. तो स्टूडेंट्स, नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती है? थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ इन देम. जिन चीज़ों में जीवन नहीं होता, जीवित नहीं होती, मूवमेंट नहीं कर सकती, वो सारी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है. फॉर एग्जाम्पल के लिए हम किसको लेके चलते हैं? एग्जाम्पल के लिए बैग्स, एनी टाइप ऑफ बैग्स. जो आप स्कूल बैग लेके जाते हैं, कोई भी बैग है, वो क्या है? नॉन लिविंग है. बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाय देयर ओन, अपने आप मूव नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट इज चेयर. जो चेयर होती है वो भी मूवमेंट नहीं करती अपने आप, उसको भी मूवमेंट कराना पड़ता है. टेबल एटसेट्रा. तो ये सारी भी जितनी भी थिंग्स हैं, बैग, चेयर, टेबल, ये खुद मूवमेंट नहीं करती, इनको मूवमेंट कराना पड़ता है, इसलिए क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है. ओके स्टूडेंट्स, आज हमने लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा. लिविंग होती है सजीव और नॉन लिविंग होती है निर्जीव वस्तु. हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमने उन चीज़ों को डिवाइड कर दिया टू ग्रुप्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज लिविंग थिंग्स, सेकेंड इज नॉन लिविंग थिंग्स.
आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल नाउ. और सेकंड डिवाइन, नेक्स्ट डिवाइन इज स्टूडेंट्स. और नेक्स्ट टॉपिक इज मैन मेड थिंग्स. स्टूडेंट्स, मैन मेड थिंग्स क्या होती हैं? वो चीज़ें जो मैन ने मेड की है उनको क्या कहते हैं? मैन मेड थिंग्स. थिंग्स विच इज मेड बाय अ मैन. जिन चीज़ों को मनुष्य ने बनाया है, खुद बनाया है, उनको क्या कहते हैं? मैन मेड थिंग्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रोड्स, चेयर, कार. जैसे मनुष्य ने क्या क्या बनाया है? रोड बनाए हैं, वो किसने मेड किया है? मैन ने. चेयर भी किसने बनाई है? मैन ने. कार को भी किसने मेड किया है? मैन ने. तो ये सभी चीज़ें क्या हैं स्टूडेंट्स? मैन मेड थिंग्स. थिंग्स विच आर मेड बाई मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. नेक्स्ट इज नेचुरल थिंग्स. थिंग्स नेचुरल. नेचुरल मीन्स क्या है? जो हमें नेचर से मिलती है, हमें वो बनानी नहीं पड़ती, हमें वो बनी बनाई मिलती है, उनको क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग्स कहते हैं. थिंग्स विच आर फाउंड इन नेचर. जो चीज़ें स्टूडेंट्स हमें नेचर से मिलती है, प्रकृति से मिलती है, उनको क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए जैसे रॉक्स है. रॉक्स को आपने बनाया? नहीं बनाया, वो तो हमें बनी बनाई मिली है. सोइल है, उसको भी, वो भी हमें बनी बनाई मिली है. सन, जब से हम बोर्न हुए हैं, जब से हम पैदा हुए हैं, हम सन को देखते आ रहे हैं. किसी ने बनाया उसको? नहीं बनाया, वो क्या है? नेचुरल है, हमें बना बनाया मिला है. मून है, वो भी क्या है? नेचुरल है. सो स्टूडेंट, नेचुरल थिंग्स, थिंग्स विच आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, रॉक, सोइल, सन एंड मून. और नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट्स, हमने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स स्टडी की है. तो जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनके कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती है. सो फर्स्ट इज फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स की विशेषताएं क्या क्या होती है? फर्स्ट इज लिविंग. आप कैसे पहचानोगे ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है? लिविंग थिंग्स ईट फूड. स्टूडेंट्स, जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती है? खाना खाती है. आप इससे पहचान सकते हो कि लिविंग थिंग्स कौन सी है, नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी है. लाइक मैन, ह्यूमंस, मनुष्य जो होते हैं वो क्या करते हैं? खाना खाते हैं, इसलिए वो क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं. लिविंग थिंग्स ईट फूड. ओके, लिविंग थिंग्स खाना खाते हैं. नॉन लिविंग, देखो अब आप जो फैन होता है, फैन कभी खाना खाता है? तो आप इससे पहचान सकते हो कि जो चीज़ें फूड ईट करती है, खाना खाती है, वो तो लिविंग है. और जो खाना नहीं खाती वो क्या है? नॉन लिविंग में उसको डिवाइड कर दिया हमने. ओके, नेक्स्ट इज सेटिंग लिविंग थिंग्स ब्रीथ. स्टूडेंट्स, जो लिविंग थिंग्स होती है वो ब्रीथ करती है, सांस लेती है. लाइक प्लांट्स, प्लांट्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं.